तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण, आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण रेड पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आपके रियलमी डिवाइसेस में किस तरह से जो है बैटरी ड्रेन इश्यूज जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है कि कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, भूषण एंड्रॉइड। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3.51 के सब्सक्राइबर लिख के आए, तो हमें जल्द से जल्द 5K सब्सक्राइबर्स कर लेने हैं। तो जल्द से जल्द आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आप अपडेटेड रहोगे रियलमी के हर एक वीडियो के साथ। जो भी मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा तो उसके साथ आप अपडेटेड रहोगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। एंड जैसा कि भी आप देख सकते हो, रियलमी वाला डिवाइस मेरे हाथ में मैंने पकड़ के रखा है। एंड इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लोगों को आता है। तो यार, मुझे ना कुछ ऐसी बातें पता चली इसके अंदर की जो हम आज करेंगे, जिससे आपकी बैटरी जो है ड्रेन इश्यूज़ शायद से थोड़े कम हो सकते हैं। पूरे जाएगी ऐसे नहीं मैं बता रहा, लेकिन शायद से थोड़े कम हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जाना होता है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद दोस्तों, जैसा अभी आप देख सकते हो, आपको इसे स्क्रोल अप करना है। उसके बाद में आपको जाना है आपके अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर ये वर्जन लिख करके आया है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसा भी आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख कर यही है। मैं थोड़ा इसे पीछे कर लेता हूँ, शायद से अभी आप देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे इससे जो बिल्ड नंबर है, तो बिल्ड नंबर पे हमें क्लिक करते रहना है। देख, जैसा आप देख सकते हो नीचे। तो एक मिनट, मैं ज़रा इससे बंद कर लेता हूँ वाईफाई को। हाँ ठीक है। तो जैसा भी आप देख सकते हो, मैं बिल्ड नंबर पर आपको 2-3 बार ऐसा टैप करना है। और ये आप अभी आ जाते हो डेवलपर मोड में, तो आपका जो भी है पासवर्ड वगैरह होता है वो आपको इसके अंदर डाल देना है। तो ये लीजिए, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। एंड जैसा भी आप देख सकते हो, यहाँ पर लिख कर के आया है यू आर इन अ डेवलपर मोड। तो अभी हमें जाना है इस डेवलपर मोड के अंदर। तो मैं करूँगा बैक। एंड वो करने के बाद हमें जाना होता है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको इसे स्क्रोल अप करना है। तो जैसा भी आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें लिख कर के आता है डेवलपर ऑप्शन, रिसेंट टास्क मैनेजर्स के ऊपर ही लिख करके आता है। तो हमें उसके अंदर जाना होता है। तो डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन देखने मिलते हैं, जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो मेरे यहाँ पे। तो ये एक्टिवेट करने के लिए आपको वर्जन पे जाकर के उस पर जो है 5-6 बार क्लिक करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही ये जो है ये एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे आने का बेसिक फंडा क्या था कि हम यहाँ पे क्यों आए। तो यहाँ पे हम बेसिकली आए थे जो हमारे बैकग्राउंड टास्क होते हैं उन्हें क्लियर करने के लिए। तो वो कैसे, तो जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे ये सेटिंग, यहाँ पे यूट्यूब, यहाँ पे फेसबुक, नोट्स, ये तो मतलब यार बैकग्राउंड के अंदर हमारे देखिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है यहाँ पे चलते रहते हैं। तो यार मतलब ये जो है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा जो है बैटरी कंज्यूम करती रहती है। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में आने के बाद यहाँ पर आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हो। तो कोई बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं रहेगी, एट मोस्ट वन प्रोसेस। तो यानी कि इसमें एट मोस्ट वन प्रोसेस रहेगी बैकग्राउंड में, मतलब ये एक ही प्रोसेस रहेगी और बाकी कोई भी नहीं रहेगी, या तो जो है यही प्रोसेस रहेगी। तो इससे आपका क्या होगा कि अगर आपका ऐप यूज़ करके हो गया और आप भूल जाते हो इसे क्लियर करना, तो ये ऑटोमेटिकली जो है क्लियर हो जाएगा। एंड आप जो है आपकी बैटरी कंजम्पशन जो है वो कम कर सकते हो, तो ये ताकि आपकी जो बैटरी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चल पाए, ठीक है। तो आप इसमें से आपको जितने भी प्रोसेस आपको लिखना है वो उस अकॉर्डिंगली आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं तो इसे कुछ नहीं करता, मैं तो इसे बस स्टैंडर्ड ही रख रहा हूँ। लेकिन अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे आ करके इसे एटमोस्ट वन अगर सिलेक्ट करते हो तो आपकी बैटरी जो है वो आराम से बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद हमें सेकेंडली एक काम करना होता है, जहाँ हमें आप पे जाना होता है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिल सकता है ऑटो अपडेट वाला। तो ये ऑटो अपडेट वाला जो ऑप्शन होता है, इसे भी आपको जो है बंद करके रखना है, डोंट ऑटो अपडेट, ये आपको यहाँ पे करना है। मतलब ऑटो अपडेट हमें नहीं चाहिए। तो इससे होता क्या है, अगर आपके ऑटो अपडेट वाला चालू है और आपका वाईफाई भी चालू होती है, हमेशा ही आपका डेटा जो है कंज्यूम करते रहता है, ये हमेशा देखते रहता है कि कोई ऐप का अपडेट आया, कोई ऐप का अपडेट आया। तो ये हमेशा वो ढूंढने की प्रोसेस इसकी चालू रहती है, और उस वजह से भी जो है आपकी बैटरी कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ते रहता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, तो इसलिए इसे ज़रूर से जो है बंद कर दीजिए। तो आप बोलोगे कि इसका तो हमारा फिर अपडेट नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात है नहीं, आप कभी भी आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आप माय ऐप्स पे अगर क्लिक करते हो, तो जो भी अगर कोई अपडेट आ चुका होगा तो वो आपको दिख सकता है, एंड वहाँ से आप अपडेट ऑल पे क्लिक कर सकते हो। तो ये आपको हमेशा के लिए ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैटरी आप बचा सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑफ करके रखा है। तो एंड तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो तो है ये
यहाँ पे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये यूज़र एंड अकाउंट आपको दिख रहा है, ये यूज़र्स एंड अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये ऊपर वाला देखिए सबसे ऊपर, अरे किधर गया, हाँ ऊपर, हाँ तो ये यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये ऑटो सिंक डेटा, इसे भी आपको जो है बंद कर लेना है, तो ठीक है। तो ये जब सब हो जाता है आपका, तो ये तीनों अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपकी बैटरी का जो पावर कंजम्पशन है वो ज़रूर से बढ़ जाए, कम हो जाएगा, एंड आपकी जो बैटरी है बैटरी ज़्यादा देर तक टिक पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होएगा मतलब कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन भी कम होगा आपका बैटरी का, जैसे क्योंकि आप ये बंद कर दोगे तो बैकग्राउंड में प्रोसेसर ज़्यादा नहीं चलने वाली है, एंड आपका कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, जिसके कारण आपकी बैटरी का जो लाइफ है वो भी बढ़ सकती है ना। अगर आपको और एक चांस देखना है तो मैं आपको एक बोनस टिप भी बता देता हूँ, आप यहाँ पर जा कर के बैटरी में जा कर के भी इसका जो डेटा है वो यहाँ से ही चेक कर सकते हो, तो ये बोनस टिप भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आता है, अगर आपने वीडियो पूरा देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इसके रिलेटेड मैं और भी कुछ वीडियोस लेके आने वाले हूँ फ्यूचर में, तो ज़रूर से चैनल पे बने रहिए, एंड मैं आप सभी को मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।